साल 2021 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और वक्त आ गया है साल 2022 के स्वागत का, अभिनंदन का। लेकिन स्वागत के लिए खड़े 2022 को वेलकम कहने से पहले ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम खत्म होने जा रहे साल को सरसरी निगाहों से ज़रूर याद कर लें। कुछ खट्टे कुछ मीठे यादों को समेटे 2021 रुपहले पर्दे के लिए बड़ा ही खास रहा। इसी साल ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सुर्खियों में लाया। इसी साल लोगों ने अनन्या पांडे को जाना, तो यही साल राजकुंद्रा के काले कारनामों को भी सामने लाया। किसी की वीडियो ने बवाल मचा दिया, तो किसी के विज्ञापन ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया, तो किसी की कविता ने उसे देशद्रोही बुला दिया। तो चलिए, जाते हुए साल के कुछ ऐसे विवादों को हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्हें ना सिर्फ जानना जरूरी है बल्कि उन्हें याद रखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात आर्यन खान की। आर्यन खान ड्रग्स केस, आप इसे इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड कॉन्ट्रोवर्सी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने आर्यन खान पर बहुत से आरोप भी लगाए। इसी बीच ट्विटर पर कई स्टार्स ने आर्यन खान का सपोर्ट भी किया। अदालत में कई बार सुनवाइयों के बाद आर्यन खान को फाइनली बेल मिल गई। राजकुंद्रा केस, तारीख 19 जुलाई। बॉलीवुड की धड़कन गर्ल शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा को पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा कि वो पॉर्न कंटेंट बनाकर मोबाइल ऐप्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज और शिल्पा को आमने सामने बिठाकर इस मामले में पूछताछ भी की थी। करीब 60 दिनों बाद उन्हें जमानत मिल गई। एनसीबी का अनन्या पांडे को समन। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सुनवाई चल ही रही थी कि एनसीबी को अनन्या पांडे और आर्यन खान के कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले, जिससे अनन्या पांडे का नाम भी ड्रग्स केस से जोड़ा गया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने जांच शुरू की। मामला जब आगे बढ़ा तो कुछ व्हाट्सएप चैट्स सामने आई। रिपोर्ट्स है कि इन चैट्स में अनन्या पांडे का नाम भी शामिल था। इसी वजह से एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन भेजा। इसके बाद कई घंटों तक उनसे पूछताछ भी की गई। सोनू सूद के घर इनकम टैक्स की रेड। कोरोना काल में लोगों के मसीहा रहे सोनू सूद भी कंट्रोवर्सी से नहीं बचे। इसी साल सोनू सूद के घर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। आईटी वालों की ये रेड 4 दिन तक चली। सोनू पर करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा। सीबीडीटी ने आरोप लगाया कि जब आयकर विभाग ने सोनू और उससे जुड़े लखनऊ स्थित ग्रुप के परिसरों पर छापा मारा, तो सोनू ने बिना हिसाब वाले इनकम को फर्जी संस्थाओं से जोड़कर दिखाया। करीना सैफ के बेटे के नाम पर बवाल। करीना कपूर खान और सैफ अली खान को भी इस साल लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। वजह, उनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर। अपने बेटे का नाम जहर रखने पर करीना और सैफ को बहुत ट्रोल किया गया। लोगों ने हिंदू मुस्लिम तक का मुद्दा उठा दिया। आपको बता दें कि करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम पर पहले ही काफ़ी बवाल हो चुका है। जब दोनों ने तैमूर के नाम की घोषणा की थी, तब दोनों स्टार्स को, खास करके करीना कपूर को, इसके लिए काफ़ी ट्रोल किया गया था। करीना के सीता के रोल को लेकर हुआ हंगामा। करीना एक बार फिर चर्चा में तब आई जब खबर चली कि करीना को माइथोलॉजी फिल्म में सीता का रोल ऑफर किया गया है, जिसके लिए उन्होंने 12 करोड़ की भारी भरकम फीस मांगी। इस विवाद में कूदने वाले दो तरह के लोग रहे। एक वो जिन्होंने करीना की फीस सुनकर हाय तौबा मचा दी, तो दूसरे वो जिन्हें ये लगता रहा कि करीना को सीता का रोल ऑफर करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि शादी के बाद करीना कपूर खान हो चुकी है। कंगना का ट्विटर अकाउंट बैन। कंगना को इस साल का कंट्रोवर्सी क्वीन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वे इस साल काफी विवादों में घिरी रहीं। चलिए हम बात करते हैं उनके ट्विटर अकाउंट बैन मामले की। 4 मई 2021 को कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। बताया गया कि बंगाल चुनाव के बाद कंगना ने ममता बनर्जी पर जो टिप्पणी की, उसी के बाद उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। कंगना ने एक बार आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी तक बता दिया था।
इसी वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कई स्टार्स ने ट्विटर के इस कदम की तारीफ कर डाली। वीर दास की कविता पर हुआ विवाद। एक्टर वीर दास इस साल सुर्खियों में रहे, वजह थी उनकी कविता टू इंडियाज। वीर ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के नामी कैनेडी सेंटर में परफॉर्म किया, जहां ये कविता उन्होंने सुनाई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उन्हें विदेश में जाकर भारत का अपमान करने वाला बताया। ट्विटर पर दो पक्षों में लोग बट गए, एक वो जो वीर की कविता के सपोर्ट में उतरे, तो दूसरे वो जिन्होंने उन्हें एंटी नेशनल तक कह दिया। पनामा पेपर्स विवाद से जुड़ा ऐश्वर्या का नाम। साल के जाते जाते ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी विवादों में फंस गया। 2016 के पनामा पेपर्स मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के नेता, बिजनेसमैन और उन हस्तियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए नकली कंपनियां बनाकर विदेशों में पैसे इन्वेस्ट किए। ईडी ने पूछताछ के लिए ऐश्वर्या राय को बुलाया। वैसे देखा जाए तो इस साल छोटे मोटे बहुत सारे विवाद हुए। विवादों से बॉलीवुड का पुराना नाता रहा है और विवाद इस रुपहले पर्दे को सूट भी करते हैं, क्योंकि यही विवाद हैं जो उन्हें सुर्खियां देते हैं और यही सुर्खियां हैं जो उन्हें सिनेमा में जगह देती हैं। 2021 के विवादों की झलकियां आपने देख ली, अब इंतज़ार करिए साल 2022 का और उन विवादों का जो कई नए चेहरे को सामने लाएंगे, जिनमें कुछ तो नाम कमा जाएंगे और कुछ इसी रुपहले पर्दे की काली परछाई में गुम हो जाएंगे।